तो ना यार बीच से अरे ठीक है भैया क्या रहा मतलब कैसे चिन्हांकन किया और क्या मतलब कितना अकाउंट आ गया? चिन्हांकन यहाँ पे पूर्व में ही हो चुका था 12:40 और हम लोगों ने आज यहाँ पर देखा कि अतिक्रमण का जो रिमूवल था वो कितना हुआ है, तो उसका आकलन करते हुए लगभग 90% लोग यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए काम लगा चुके हैं, क्योंकि मंजिलें कई कई भी हैं तो वो समय लग रहा है उन्हें, और 2-3 बिल्डिंगें ऐसी थी जिनमें किराएदारी और मकान मालिक में विवाद था तो उनका भी सेटल कराया है, और बाकी जिन लोगों ने काम नहीं लगाया था ऐसे बहुत ही चुनिंदा लोग थे तो उन्होंने भी आज काम शुरू कर दिया। आगे क्या प्लान है मैडम? पूरे रोड का आपने निरीक्षण किया तो उसमें जो है कितने दिनों में ये रोड पूरा साफ हो जाएगा? हम लोग जो यहाँ पे मलबा है वो आज ही रात तक उठवाने की कोशिश करेंगे कि पूरा 100% जितना मलबा होगा वो आज ही। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे क्या प्लानिंग? आगे की प्लानिंग है कि जब जितनी हमें जगह मिल जाएगी तो नाली हम पीछे कर लेंगे, नई नाली बना लेंगे जिससे कि हमारी और रोड चौड़ी हो जाए, इवन पार्किंग के लिए और जो ठेला है उन्हें वेंडिंग जोन में हम शिफ्ट करा लेंगे। आगे हमारी नगर पालिका की जगह पड़ी हुई है तो हम वेंडिंग जोन पार्किंग के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हमने स्टेट बैंक से भी बात की कि जो यहाँ पर आ रहे हैं कस्टमर्स आ रहे हैं कर्मचारी हैं वो सड़क पर पार्किंग ना करें तो वो रेडी सड़क चौड़ी हो जाएगी। सड़क चौड़ी बजट है इसके लिए अतिक्रमण करते हैं लोग तो वो विद्युत विभाग को हम उस पर अवगत करा रहे हैं, वो अपने ट्रांसफार्मर और पोल्स सभी हटा रहे हैं। अतिक्रमण हटने के बाद सड़क चौड़ी करने से काम चलेगा? सड़क चौड़ी हो जाएगी और नाली भी जहाँ पे हमारी अब सड़क मिलेगी हमें न्यू 12:40 पे उसी किनारे किनारे हम नाली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।